सीएम योगी ने लखनऊ में अपने आवास पर मनाया साहिबजादा दिवस। मुख्यमंत्री आवास में गूंजी गुरबानी, सीएम योगी ने की श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अगवानी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओमिक्रॉन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से की मुलाकात, कहा मध्य प्रदेश ने उठाए सभी आवश्यक कदम। आज मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसके मामले मध्य प्रदेश में भी आ रहे हैं, अभी तक 9 पॉजिटिव केस मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के हैं, और इसलिए ओमिक्रॉन पर भी, कोविड के बढ़ते हुए खतरे पर भी विस्तार से हमने चर्चा की है, क्योंकि अभी तक माइल्ड लक्षण वाले पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अगर कोई पॉजिटिव आता है और घर में स्थान नहीं तो घर में ना रहे, उसको हम अस्पताल में ले जाएं ताकि संक्रमण ज़्यादा ना फैले। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को किया ढेर, कई हथियार भी बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। देश में तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले। 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में फैला ओमिक्रॉन। अब तक 578 लोग इस वेरिएंट से संक्रमित। दिल्ली में सबसे ज्यादा 142 मामले मिले। प्रयागराज में सीएम योगी ने बाहुबली अतीक से मुक्त कराई जमीन पर किया भूमि पूजन। इस जमीन पर गरीबों के लिए बनेंगे 76 फ्लैट। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में 158 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री आवास योजना सहित 31 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपी चाबी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय शटलर लक्ष्य सेन को किया सम्मानित। हाल ही में संपन्न BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में लक्ष्य सेन ने टूर्नामेंट में जीता था कांस्य पदक। सीएम धामी ने दी 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ में हुई बर्फबारी। औली हिल स्टेशन पर भी हुई बर्फबारी। मौसम विभाग ने चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी होने की जताई संभावना। जम्मू के त्रिकुटा नगर की झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग, करीब 50 झुग्गियां जलकर हुई खाक। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं। झांसी में कांग्रेस की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैराथन दौड़ में पुरस्कार को लेकर हुआ बवाल। मैराथन दौड़ में हजारों लड़कियों ने की शिरकत। पुरस्कार नहीं दिए जाने से आक्रोशित बालिकाओं ने फाड़े पोस्टर, आयोजकों ने बताया साजिश। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।